गुड मॉर्निंग, आई एम प्रीति श्रीवास्तव फ्रॉम श्री शंकराचार्य महाविद्यालय जिनवानी भिलाई। टुडेज टॉपिक ऑफ बीएससी फर्स्ट ईयर, हम लोग आज बीएससी फर्स्ट ईयर का यूनिट टू का एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है वक्रों का अनुरेखण, ट्रेसिंग ऑफ कर्व्स, वक्रों का अनुरेखण, जिसको इंग्लिश में आप कहते हैं ट्रेसिंग ऑफ कर्व्स। ट्रेसिंग ऑफ कर्व्स का मतलब ये है कि जैसे आपको कोई भी इक्वेशन दिया रहेगा उसको आपको ट्रेस करना है, कार्टेशियन हो चाहे वो पोलार फॉर्म में हो, कार्तीय निर्देशांक के रूप में हो या ध्रुवीय निर्देशांक के रूप में हो। तो उसके मैं कुछ स्टेप्स बता दे रही हूँ, वो है जिसमें पहला स्टेप आता है आपका ट्रेस करने के लिए, फर्स्ट स्टेप है आपका सिमेट्री, सममिति जिसको आप हिंदी में कहते हैं, सिमिट्री या सममिति देखने के लिए आपको, तो उसको आपको कौन से अक्ष में आपका जो भी वक्र है या जो भी कर्व है कौन से एक्सिस में बनेगा उसको देखने के लिए सबसे पहले रहता है सममिति या सिमेट्री, जिसमें इसका फर्स्ट पार्ट है ए अबाउट, सिमेट्रिक अबाउट एक एक्स एक्सिस। सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष के सापेक्ष सममिति। एक्स अक्ष के सापेक्ष सममिति, जो भी इक्वेशन आपको दिया रहेगा आपको उसमें एक्स अक्ष के सापेक्ष सममित है कि नहीं यह देखने के लिए आप वाई की जगह पूरे समीकरण में माइनस वाई रख देंगे, पूरे इक्वेशन में जो भी क्वेश्चन है उसमें वाई की जगह माइनस वाई रख देंगे। इफ गिवन कर्व या गिवन इक्वेशन इज नॉट चेंज, देन कर्व या इक्वेशन विल सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस। दिए गए समीकरण में यदि कोई परिवर्तन नहीं होता है वाई की जगह वाई माइनस वाई रखने पर, दिए गए समीकरण में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो वक्र x अक्ष के सापेक्ष सममित होगा, x अक्ष के सापेक्ष सममित होगा। और यदि परिवर्तन कुछ नहीं होता है, परिवर्तन समीकरण परिवर्तित हो गया तो वह एक्स एक्स के सापेक्ष सममित नहीं होगा। अब हम लोग देखेंगे अबाउट वाई एक्सिस, सेकंड
अबाउट वाई एक्सेस, वाई अक्ष के सापेक्ष कोई भी चीज़ आपका वक्र बनेगा कि नहीं बनेगा वो हमको देखना है। वाई अक्ष के सापेक्ष y अक्ष के सापेक्ष फिर वही काम करना है आपको, पूरे समीकरण में x की जगह माइनस x पुट कर देना है। यदि समीकरण में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो वह y अक्ष में बनेगा। सेम आप ऐसे लिख लेंगे, दिए गए समीकरण में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो y अक्ष में बनेगा। इफ इक्वेशन इज नॉट चेंज देन कर्व विल सिमेट्रिक अबाउट y एक्सेस। देन थर्ड इज अबाउट बोथ एक्सिस, दोनों अक्षों के सापेक्ष यदि ऊपर की दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, दैट मीन्स आप एक्स की जगह माइनस एक्स रखें और वाई की जगह माइनस वाई रखें किसी इक्वेशन में और कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, मतलब किस टाइप का उदाहरण देख लीजिए। यदि आपके पास समीकरण इस टाइप का है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, तो इस वाले जैसे ये वृत्त का समीकरण है आपके पास, इक्वेशन ऑफ सर्कल, तो हमने यदि एक्स की जगह माइनस एक्स भी रखा तो स्क्वायर के कारण पॉजिटिव, वाई की जगह माइनस वाई रखा तो भी इक्वेशन वही आया। तो ऐसे समीकरण दोनों अक्षों के सापेक्ष सममित होंगे, ऐसे इक्वेशंस सिमेट्रिक अबाउट बोथ एक्सिस होगा। जैसा ये आपको पता है कि दोनों अक्षों में बनता है, ए ए पर कट करता है। ये आपको एग्जांपल समझाने के लिए था। नेक्स्ट, यदि आप ऊपर की तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही है, देन अब आप फोर्थ निकालते हैं अबाउट सिमेट्रिक अबाउट स्ट्रेट लाइन, अबाउट स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन सरल रेखा के सापेक्ष। सरल रेखा के सापेक्ष दैट मीन्स आप y की जगह जहां जहां है वहां पर x रख दीजिए, आपस में हम लोग इंटरचेंज कर लेते हैं। यदि y की जगह x और x की जगह यदि y रखते हैं, कोई परिवर्तन नहीं आता समीकरण में, तो वो एक सरल रेखा का भी समीकरण दर्शाता है आपका। अब इसका इसके अंदर के फोर पॉइंट हो गए। नेक्स्ट है आपका टू नंबर जो हमको चेक करना है। ये सममिति के अंदर के सारे पॉइंट्स थे, अब हमको पढ़ना है द ओरिजिन, मूल बिंदु के सापेक्ष। कोई भी आपका वक्र मूल बिंदु से होकर जाएगा कि नहीं और अबाउट ओरिजिन से होकर पास होगा कि नहीं, आपको चेक करना है। तो इसको चेक करने के लिए सबसे इजी आप लिखेंगे उसमें कि इक्वेशन हैविंग नो कॉन्स्टेंट टर्म, दैट मीन्स इक्वेशन हैविंग नो कॉन्स्टेंट टर्म, नो कॉन्स्टेंट टर्म, देन कर्व विल पासेस थ्रू द ओरिजिन। हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, दिए गए समीकरण में जो भी समीकरण आपको क्वेश्चन में दिया है, यदि उसमें कोई भी अचर पद नहीं है समीकरण में, कोई भी अचर पद, कोई भी अचर पद नहीं है तो दिया गया समीकरण मूल बिंदु से होकर जाएगा। और यदि इसमें अचर पद या कॉन्स्टेंट टर्म रहेगा तो वो मूल बिंदु से होकर नहीं जाएगा। तीसरा है आपका, थर्ड पॉइंट इज
क्या आपके समीकरण में कोई भी स्पर्श रेखा होती है? टेंजेंट। टेंजेंट चेक करने के लिए आप दो यहां पर आप लिखेंगे बाय इक्वेटिंग टू जीरो द लोवेस्ट डिग्री टर्म। जो भी समीकरण है उसके न्यूनतम घात के पदों को शून्य के बराबर रखना पड़ेगा। इसमें दो चीज आपको मिलेगी, यदि आप जीरो के इक्वल रखेंगे तो एक मिलेगा आपको y इक्वल्स टू जीरो, एक मिलेगा y बराबर प्लस माइनस x। यदि ऐसी कंडीशन मिलती है तब दोनों में से कोई एक कंडीशन मिलेगी आपको। आप बताएंगे आपके पास y इक्वल्स टू जीरो है, दैट मीन्स नो टेंजेंट। हम लोग टेंजेंट ही चेक कर रहे हैं तो आप इसमें लिखेंगे नो टेंजेंट, स्पर्श रेखा अस्तित्व में नहीं है। और जब स्पर्श रेखा अस्तित्व में नहीं है तो इस कंडीशन में आपका जो कर्व रहेगा, जो भी आपका वक्र रहेगा, वो एक कस्प बनेगा। इसको आप इंग्लिश में कहते हैं CUSP कस्प, हिंदी में भी इसको आप कस्प कहते हैं। और y इक्वल टू प्लस माइनस x है, दैट मीन्स देयर एग्जिस्ट टेंजेंट आप लिखेंगे, स्पर्श रेखा है बनेगी। और दिया गया कर्व, दिया गया वक्र एक प्रकार का नोड होगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप इसको कहते हैं नोड। सॉरी अब देखिएगा, जो y इक्वल्स टू जीरो है और y इक्वल्स टू प्लस माइनस x, इसमें नोड और कस्प किस टाइप के बनते हैं वो आपके इक्वेशन पे डिपेंड करेंगे। कभी ऐसा भी बन सकता है नोड, ऐसा भी, ये आपके उस पर डिपेंड करता है कि आपको इक्वेशन किस टाइप का दिया। और कस्प किस टाइप का बनता है, ऐसा बन सकता है, ऐसा भी, फूल भी बन सकता है, जिसमें क्योंकि आपको ये आपने कहा टेंजेंट एग्जिस्ट करता है तो टेंजेंट को आपको ड्रॉ भी करना पड़ेगा, जो लाइन टच करते हुए वक्र को आपकी चले जाए। ये देखिए कट रहा है, काटना नहीं है आपको, टच करना है। ये जो आपके वक्र को टच करते हुए जाए तो ये कहलाता है आपका नोड और कस्प का डिजाइन। इसके बाद का पॉइंट है आपका इंटरसेक्टिंग विद द एक्सिस, जो थर्ड पॉइंट है, निर्देशाक्षों के साथ प्रतिच्छेदन, निर्देशाक्षों के साथ प्रतिच्छेदन। इंटरसेक्टिंग इंटरसेक्शन विद द एक्सिस, इंटरसेक्शन विथ एक्सेस, कोऑर्डिनेट एक्सेस। अब यहां पर आपको देखना है कि x एक्स के सापेक्ष कोई भी कर्व कहां कट होगा।
आपने कर्व बता दिया कि ये एक्स अक्ष में बनेगा, वाई अक्ष में बनेगा, लेकिन किस पॉइंट पे कट करेगा वो निकालने के लिए, जब भी आपको एक्स एक्सिस की बात होगी आप उसमें वाई को क्या रखेंगे, जीरो, तो एक्स की वैल्यू निकल जाएगी, और वाई एक्सिस के लिए एक्स को जीरो रखेंगे, तो कहाँ कहाँ कट कर रहा पता चल जाएगा आपको। फोर्थ पॉइंट है एसिम्प्टोट्स। कोई भी वक्र में अनंत स्पर्शियां है कि नहीं वो आपको देखना पड़ेगा। अनंत स्पर्शी देखने के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले आप अपने क्वेश्चन से ये देखिए कि आपका सिमेट्री किसके अकॉर्डिंग आ रहा है। एक्स एक्सिस है, यदि आपका वक्र सममित एक्स एक्स के सापेक्ष है तब आप हाईएस्ट डिग्री कोफिशिएंट, हाईएस्ट डिग्री कोफिशिएंट ऑफ वाई इक्वल टू जीरो कर देंगे। वाई के उच्चतम घात के गुणांकों को शून्य के बराबर रख देंगे, उच्चतम घात के गुणांक इक्वल्स टू जीरो। सिमिलरली यदि सिमेट्रिक आपका वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग आता है, सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस है, तो हाईएस्ट डिग्री कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स इक्वल्स टू जीरो, एक्स के उच्चतम घात के गुणांकों को आप शून्य के बराबर रख देंगे। यदि आपके पास दोनों अक्षों के सापेक्ष समानांतर रहेगा तो नो एसिम्प्टोट्स आएंगे। फिफ्थ है इसी का पॉइंट, वक्र का विस्तार। ये पांच पॉइंट आपको निकालना रहेगा कोई भी क्वेश्चन में। वक्र का विस्तार आप कैसे निकालेंगे, वक्र का विस्तार जैसे आपको सॉल्व बाय वाई, वाई के लिए आपको एक बार हल करके देखना पड़ेगा, और ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, जो सारा चीज क्वेश्चन के थ्रू आपको क्लियर हो जाएगा। सिक्स्थ है आपका वाई के अधिकल्पित मान, इमेजिनरी वैल्यूज आप निकाल लेंगे। इमेजिनरी वैल्यूज ऑफ वाई क्वेश्चन के थ्रू बताएंगे कैसे कैलकुलेट करते हैं कि आपकी वैल्यू कब रियल आएगी, कब इमेजिनरी आएगी, कब वास्तविक आएगी, कब अधिकल्पित आएगी। स्पेशल पॉइंट भी आप निकाल सकते हैं, विशिष्ट बिंदु। स्पेशल पॉइंट का मतलब ये होता है कि यदि आपके पास एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिएगा, x इज इक्वल टू a एंड y इक्वल्स टू जीरो, x इज इक्वल टू b पर y आपके पास क्या मिल रहा, अगेन जीरो मिल रहा है, दैट मीन्स y की वैल्यू, सॉरी x की वैल्यू वेरीज बिटवीन a एंड b। x का मान किनके किनके मध्य आ रहा है, a और b के बीच में, जिसके लिए y आपके पास यदि पॉजिटिव वैल्यू मिलती है आपके पास, तो y मैक्सिमम वैल्यूज रखेगा, y उच्चतम मान रखेगा आपके पास, महत्तम मान रखेगा, और y एक मैक्सिमम वैल्यू रखेगा, ये आप बता देंगे, जो आपके x एक्सिस के अकॉर्डिंग पैरेलल होगी।
क्वेश्चन के थ्रू आपको और सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। एट होता है आपके पास इन्फ्लेक्शन, जिसको आप हिंदी में कहते हैं नति परिवर्तन। ये आखिरी पॉइंट है, एट पॉइंट आप कैलकुलेट कर लेंगे। नति परिवर्तन विद्यमान है कि नहीं, तो उसको आपको देखने के लिए सबसे पहले निकालना पड़ेगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ये यदि जीरो आता है तो आप थर्ड निकाल के देख लीजिए, क्या ये नॉट इक्वल्स टू जीरो आता है। दो ही पॉइंट रहेगा इन पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन में, आपको क्या देखना रहेगा, या तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर जीरो आएगा तो आप थर्ड डिग्री निकाल के देखिए नॉट इक्वल्स टू, या दूसरी कंडीशन क्या हो जाएगी, ये दोनों ही आपके पास नॉट इक्वल्स टू जीरो आएंगे। ये भी तो क्वेश्चन के थ्रू हम लोग इन पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कैलकुलेट करेंगे। चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका आप यहां से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ट्रेस द कर्व, आपको वक्रों का अनुरेखण करने के लिए कहा जा रहा है, देख लीजिएगा इसको। y स्क्वायर 2a माइनस x इक्वल्स टू x क्यूब का अनुरेखण कीजिए। ट्रेस द कोनिक कर्व, ट्रेस द कर्व, इसको आपको कर्व का ट्रेस करना है। अब देखिए सॉल्यूशन में कैसे आप सबसे पहले निकालते हैं सममिति, सिमेट्री। सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस आपको सबसे पहले कैलकुलेट करना है, अबाउट एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष के सापेक्ष। एक्स अक्ष के सापेक्ष आप पूरे क्वेश्चन में जो भी आपको दिया गया है, आपको बताया गया था कि आप उसमें y की जगह जहां जहां है वहां पर आप माइनस वाई रख के देखिए। पुट इन इक्वेशन वन, इन इक्वेशन वन, समीकरण एक किसको मान लेंगे, ये जो क्वेश्चन दिया गया है आपको। अब यदि आप इसमें x की जगह सॉरी y की जगह माइनस वाई रखते हैं तो देखिए समीकरण में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये हो गया माइनस वाई का होल स्क्वायर 2a माइनस एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब, तो ये हुआ आपके पास y स्क्वायर 2a माइनस एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब। दैट मीन्स आप लिखेंगे इक्वेशन इज नॉट चेंज, देन कर्व विल सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस, सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस। दिया गए समीकरण में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो दिया गया कर्व, दिया गया वक्र आपका एक्स अक्ष के सापेक्ष सममित होगा। इसी का बी पॉइंट हम निकाल के देखेंगे अबाउट वाई एक्सिस, वाई एक्स के सापेक्ष। अब आपने क्या रखना है, दिए गए समीकरण में एक्स की जगह माइनस एक्स पुट करके देखिए। तो अब आपका क्वेश्चन ओरिजिनल में था क्या, आपके पास समीकरण था वाई स्क्वायर टू ए माइनस एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब, अब इसमें अपन रख रहे हैं x की जगह माइनस एक्स, तो ये हो गया वाई स्क्वायर टू ए प्लस एक्स माइनस एक्स क्यूब। तो आप अपने ओरिजिनल क्वेश्चन से ही हट गए, पूरा समीकरण आपके पास बदल गया। तो अब आप लिखेंगे इक्वेशन इज चेंज, इक्वेशन इज चेंज, देन कर्व does not
सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। वाई अक्ष के सापेक्ष सममित नहीं होगा क्योंकि आपके पास पूरे समीकरण से ही आप हट गए। वाई अक्ष के सापेक्ष सममित नहीं होगा, सममित नहीं होगा। अब तीसरा और चौथा पॉइंट निकालने की आवश्यकता आपको नहीं है क्योंकि आपका दिया गया वक्र एक्स अक्ष के सापेक्ष सममित होगा। तो आप आगे सेकेंड पॉइंट पे, ओरिजिन पे अपन चलेंगे। अब सेकेंड पॉइंट इज मूल बिंदु, ओरिजिन। उसके देखने के लिए आप तो आपके समीकरण में कोई भी आपके पास अचर पॉइंट, अचर बिंदु तो नहीं हुआ, आप देख लीजिए। जैसे आपके पास समीकरण था वाई स्क्वायर, क्वेश्चन क्या दिया है, वाई स्क्वायर 2a-x इक्वल्स टू एक्स क्यूब। तो ये हो गया आपके पास 2a y² xy² इक्वल टू एक्स क्यूब। अब इसमें अलग से कोई भी अचर नहीं है। अचर का मतलब, कॉन्स्टेंट का मतलब क्या होता है, यदि प्लस 2a यदि दिया रहता या प्लस 3 दिया रहता तो ये आपके पास अचर है, जो जिसमें बिना एक्स वाई वाले पद, जिसमें x और y गुणा ना हो। तो इसमें आपके पास एक भी कॉन्स्टेंट टर्म नहीं है। इक्वेशन Having no constant term, then curve passes through the origin. दिया गया समीकरण मूल बिंदु से होकर जाएगा क्योंकि आपके इसमें एक भी नियतांक नहीं है। तो दिया गया समीकरण मूल बिंदु से जाएगा। इसके बाद आप निकालते हैं तीसरा पॉइंट, स्पर्श रेखा, टेंजेंट। टोटल लोवेस्ट डिग्री टर्म इक्वल्स टू जीरो। टोटल कुल न्यूनतम घात के अवयव को आपको शून्य के बराबर रखना है। तो ये हो जाएगा आपका 2a y² - xy² इक्वल्स टू एक्स क्यूब है। तो इसमें न्यूनतम घात दैट मीन्स क्या क्या हुआ आप देख लीजिए। इसका पावर कितना हुआ 2, x और y का मिला के 3, ये भी 3। तो आपका न्यूनतम घात कितना हुआ 2a y², इसको आप शून्य के बराबर रख देंगे, जीरो के इक्वल रख देंगे क्योंकि कांस्टेंट आपका 2a इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। तो आपके पास क्या आया, y इक्वल्स टू जीरो। तो मैंने इसमें बताया है आपको कि यदि आपके पास y बराबर जीरो आता है तो आपको क्या मिलेगा, नो टेंजेंट, और दिया गया वक्र आपके पास एक कस्प होगा। अब हमारे पास क्या आ गया, y इक्वल्स टू जीरो आया। तो आप लिखेंगे नो टेंजेंट गिवन कर्व इज कस्प। आप लिखेंगे स्पर्श रेखा अस्तित्व में नहीं है, दिया गया वक्र आपका एक कस्प बनेगा। अब इस कस्प को कैसे ड्रॉ करते हैं, ध्यान से देखिएगा। यदि आपको ड्रॉ करना है तो उसके लिए हम लोग को अगला पॉइंट निकालना पड़ेगा, अक्षों के साथ प्रतिच्छेदन, थर्ड पॉइंट, इंटरसेक्शन विथ एक्सिस। अक्षों के साथ प्रतिच्छेदन, अक्षों के साथ प्रतिच्छेदन देखने के लिए आपको ये सबसे पहले एक्स अक्ष के सापेक्ष निकालना है। तो आपको मैंने बताया था कि वाई को आप शून्य कर दीजिए। तो अब आपके पास इक्वेशन क्या है, क्वेश्चन आपके पास था वाई स्क्वायर 2a-x इक्वल्स टू एक्स क्यूब।
जब आपने यहाँ पर y को 0 रख दिया तो आपके पास सीधे मिल गया x equals to 0, जो x अक्ष पे कहाँ पर कट करेगा, 0 पे। सिमिलरली y एक्सिस के लिए आप देख लीजिए, उसमें आपको क्या रखना पड़ेगा, x की जगह 0 रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी आपके पास क्या आएगा, y equals to 0। इसके बाद आता है आपका अनंत स्पर्शी, फोर्थ पॉइंट एसिम्प्टोट्स। जैसा कि आपको बताया है कि एसिम्प्टोट्स या अनंत स्पर्शी निकालने के लिए सबसे पहले आपको एक्सिस देखना पड़ता है कि सममिति आपकी सिमिट्री किसके अकॉर्डिंग है, क्योंकि हमारा क्वेश्चन एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग सिमेट्रिक है। तो आपको क्या निकालना रहेगा, हाईएस्ट डिग्री कोफिशिएंट ऑफ वाई इक्वल्स टू 0। वाई के उच्चतम घात के समी जो भी गुणांक रहेगा उसको शून्य के बराबर रखना है। तो वाई का उच्चतम घात, दैट मींस ध्यान से देखिए क्वेश्चन आपका, वाई स्क्वायर 2a माइनस एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब है। तो y का तो एक ही है टर्म और उसी का पावर 2 है, तो उसके साथ जो मल्टीप्लाई है गुणांक कोफिशियंट उसको कहते हैं 2a माइनस एक्स को, आपको इसको 0 के बराबर रखना पड़ेगा, तब आपकी एक एसिम्प्टोट्स मिल रही है x इज इक्वल टू 2a। इसके बाद है फिफ्थ पॉइंट, वक्रों का विस्तार। एक्सटेंशन ऑफ कर्व, देखिएगा एक्सटेंशन आप कैसे निकालेंगे। एक्सटेंशन निकालने के लिए आप जो भी क्वेश्चन है उसमें से y की वैल्यू निकाल लीजिए, ये हो गया एक्स क्यूब 2a माइनस एक्स। अब आप बताएंगे केस वन, यदि x की वैल्यू 2a से कम लेते हैं आप, लेस लेते हैं, x इज लेस देन 2, दैट मींस ये 2a ये इससे कम ले रहे हैं हम लोग वैल्यू, तो सारी क्वांटिटी पॉजिटिव आएगी आपके पास, धनात्मक आएगा, तो आप लिखेंगे भाई हमको y मिलेगा पॉजिटिव, दैट मींस रियल, वास्तविक। केस टू, यदि हम x की वैल्यू ग्रेटर ले लेते हैं 2a से, यदि बड़ी ले लिया हमने, तो ये पूरी क्वांटिटी नेगेटिव आ जाएगी, ऋणात्मक। ऋणात्मक आगे इसको कहोगे आप इमेजिनरी, अधिकल्पित, जिसको हम ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। तो आपको ये समझ में आया कि x की वैल्यू 2a से ज्यादा नहीं लेनी है, 2a से ज्यादा लेंगे तो y आपका इमेजिनरी आ जाएगा। थर्ड, यदि x की वैल्यू 2a के इक्वल कर देते हैं हम लोग, तो यहां पर क्या हो जाएगा, y आपके पास इन्फिनिटी आ जाएगा। y इन्फिनिटी आ गया तो x किनके किनके बीच में आ जाएगा, x की वैल्यू 0 और 2a के बीच में, क्योंकि 2a आपने क्या बताया है, एसिम्प्टोट्स बताया है ना, तो x की वैल्यू किसके किसके बीच में आ जाएगी, 0 और 2a के बीच में। अब देखिए हम लोग कस्प को ड्रॉ कर रहे हैं, आपने ये बताया है ये आपका एक्सिस है, ये आपने एसिम्प्टोट्स बना ली। अब ये क्या है, x इज इक्वल टू 2a पे है, मैंने बताया है आपको x की वैल्यू 2a से ज्यादा नहीं आनी चाहिए, तो कस्प आपका इससे ज्यादा जा ही नहीं सकता है, क्योंकि उसके बाद आपका, यदि हम लोग इसको ऐसा बना देते, ध्यान से देखिए
यदि हम 2a से ज्यादा लेके कष्ट को ऐसा बना देते हैं, तो यहां पर आपको y क्या मिल जाता, इमेजिनरी मिलता, इमेजिनरी को तो हमको ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, तो ये बात गलत हो जाएगी। तो x इज इक्वल टू 2a के अंदर ही कष्ट की वैल्यू रहनी चाहिए, ये आपको क्लियर समझ में आना चाहिए कि 2a से ज्यादा रही तो वो इमेजिनरी हो जाएगा। तो अब फाइनली आप सबको लेबल कर दीजिए कि ये आपका कस्प है, दिस इज एसिम्प्टोट्स। अनंत स्पर्श, इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आप इसी इस पर फॉलो करके बना लेंगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू फ्रॉम प्रीति श्रीवास्तव, SSMV, भिलाई, शंकराचार्य महाविद्यालय, जनवानी। थैंक यू।